इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज छठा सवाल। भागलपुर को निम्नलिखित में से किसकी धरती कहा जाता है? ए बुद्ध की धरती, बी जनक की धरती, सी कर्ण की धरती या डी माझी की धरती। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू, खास मुलाकात। कोरोना के कारण सूना पड़ा कांवरिया पथ, वर्षों पुरानी परंपरा टूटी। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बिहार एवं झारखंड के अटूट धार्मिक आस्था एवं वसुदेव कुटुंबकम के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध सावनी मेले का आयोजन नहीं होने से 110 किलोमीटर लंबा कांवरिया पथ सूना पड़ गया। कांवरिया यात्रा की वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर सावन मास में एक महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध सावनी मेले के आयोजन पर झारखंड सरकार के रोक लगाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने भी पाबंदी लगा दी। नतीजतन पूरा मेला क्षेत्र और करीब 110 किलोमीटर फैले कांवरिया मार्ग पर हर हर महादेव एवं बोलबम के जय घोष के बजाय सन्नाटा पसरा है। सुरताल और भक्तिमय माहौल लुप्त है। कृष्णा बम का 38 वर्षों से चला आ रहा रिकॉर्ड टूटा। अब की सावन देवघर में बाबा पर नहीं कर पाई जलाभिषेक। लगातार 38 वर्षों से सावन के हर सोमवार को पैदल सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कृष्णा बम अब की बार बाबा के दर्शन नहीं कर पाई। अफसोस है उन्हें कि इस बार बाबा भोले शंकर ने दर्शन की अनुमति नहीं दी। इस बार उन्होंने घर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हालांकि कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार ने देवघर मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। वैसे सावनी मेले में लोगों को कृष्णा बम का बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग उन्हें माता बम भी कहते हैं। वे सावन में प्रत्येक रविवार को डाक बम के रूप में देवघर जाने के लिए अजगैवी धाम आती है। उनके दर्शन का शहरवासियों और कांवरियों को इंतजार रहता है। सोमवार से शुरू हुआ सावन अद्भुत बना संयोग, समापन भी सोमवार को। इस बार सावन कई अद्भुत संयोग लेकर आया है। सावन में भगवान शिव, मैया पार्वती और शिव परिवार की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। प्रत्येक मनोरथ सिद्ध होता है। शिव को सावन बहुत प्रिय है। वहीं सावन की पहली सोमवारी को भागलपुर जिले के विभिन्न गांव कस्बे के शिवालयों में भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। हालांकि जिले के कई प्रसिद्ध शिवालयों व मंदिर में वैश्विक महामारी को लेकर आम भक्तों का पूजा व प्रवेश निषेध है। भागलपुर जिले के कई शिवालयों में आम भक्तों द्वारा जलाभिषेक या पूजा अर्चना नहीं की जा रही है। नवगछिया के शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। मनाही के बावजूद नौगछिया के गोपाल गौशाला स्थित शिवालय और चैती दुर्गा स्थान परिसर स्थित शिवालय में दिन भर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई भक्त से जब पूछा गया कि भीड़ में पूजा करने से उन लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है, तो लोगों ने जवाब दिया कि सरकार और व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोग दिन ब दिन संक्रमित होते जा रहे हैं। लोगों के मरने की खबरें आम हो रही है। ऐसी स्थिति में भगवान ही उन लोगों को उबार सकते हैं, इसलिए इस विपत्ति की घड़ी में भगवान का पूजन करने से नहीं रोका जाए। दूसरी तरफ चैती दुर्गा स्थान के पुजारी पंडित अजीत कुमार पांडे ने कहा कि लोगों को अभी पूजा करने नहीं आना चाहिए और अपने घर के पास ही शिवालय का प्रतीक बनाकर जलाभिषेक करना चाहिए और भक्ति भाव से भजन और मनन करना चाहिए। पंडित अजीत कुमार ने कहा कि मंदिर से लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है, इसलिए भक्तों को इसका फायदा उठाना चाहिए और अपने अपने घरों से ही पूजा करनी चाहिए। नवगछिया में कोरोना विस्फोटक स्थिति में कम लोग आ रहे बाजार। कोरोना संक्रमित की संख्या 215 के पार। नवगछिया में कोरोना विस्फोटक स्थिति में आ जाने से लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया है। नवगछिया में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद आशंका है कि बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से संक्रमित हो गए होंगे। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल प्रशासन द्वारा कोरोना रोगियों के चयन की खोज शुरू कर दी गई है। अस्पताल की रणनीति है कि रोगियों के चयन में आने वाले सभी लोगों की जाँच की जाएगी। मालूम हो कि नवगछिया अनुमंडल में कोरोना से अब तक 215 से अधिक रोगी संक्रमित हो चुके हैं। 4000 से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है, जबकि अभी भी नौगछिया में 50 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। नौगछिया बाजार में खुल रही है दुकानें, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे।
भले ही नौगछिया बाजार में कंटेनमेंट जोन का पालन नहीं कराया जा रहा हो, लेकिन लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग बाजार नहीं के बराबर आ रहे हैं। कई दुकानदार ने बताया कि बाजार में 60% लोग कम आ रहे हैं, जिससे दिन या शाम के समय में भी बाजार में जाम की स्थिति नहीं लगती है। बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि यह अच्छी स्थिति है और लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तभी हम लोग कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। नौगछिया के ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले बाबा आशीष कहते हैं कि भले ही प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन का पालन नहीं कराया जा रहा है, लेकिन लोग बाजार में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों का धंधा खराब तरीके से प्रभावित हुआ है। ठेले पर चाट और पकौड़ा बेचने वाले अमित कुमार ने बताया कि पिछले 5 दिनों से उनकी बिक्री नहीं के बराबर हो रही है, जिसके कारण उनका ठेले पर दुकान लगाना या न लगाना बराबर बात हो गई है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में कोरोना अपने भयानक स्टेज पर है। इसका कारण यह है कि अधिकांश संक्रमित मामले ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं है, वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे में कौन व्यक्ति आपको कोरोना देकर चला जाएगा, यह कहना मुश्किल है। इसलिए लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। लोग मास्क का उपयोग करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करें। नौगछिया के मशहूर चिकित्सक एपी झा नहीं रहे, इलाके में शोक। नौगछिया के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अरविंद प्रसाद झा उर्फ एपी झा का निधन सोमवार को अहले सुबह हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही उनके पैतृक आवास पर पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जानकारी मिली है कि डॉक्टर झा 85 वर्ष के थे। उनके पड़ोसी मुकेश कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 50 वर्ष पहले डॉक्टर झा नौगछिया आए थे और यहीं के होकर रह गए। वे मूल रूप से कहलगांव के अनादीपुर के निवासी थे। इन दिनों लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर झा अपने पीछे 2 चिकित्सक पुत्रों डॉक्टर रोमेन कुमार झा और डॉक्टर सुमन कुमार झा सहित 3 पुत्रियां पत्नी डॉक्टर ईरा झा को छोड़ गए हैं। कटाव निरोधी कार्यों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कर्मियों का कैंप कार्यालय के निकट धरना, राज्यपाल के नाम से वीडियो को सौंपा ज्ञापन। गोपालपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्ष 2008 से लेकर 2020 तक इस्माइलपुर से लेकर बिनटोली के बीच करवाए गए प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत कटाव निरोधी कार्यों की जांच महामहिम राज्यपाल से करवाने की मांग वीडियो गोपालपुर के माध्यम से धरना के बाद लिखित आवेदन देकर की गई है। वहीं प्रतिवर्ष फ्लड फाइटिंग के नाम पर की गई खर्च की सीबीआई द्वारा जांच करवाने व कटाव निरोधी कार्य में लगने वाले बोल्डर, जियो बैग व कैरेट वगैरह की गुणवत्ता की जाँच कराने की मांग की गई है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कल नौगछिया में। राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद साहब बुधवार कल 8 जुलाई को नौगछिया स्थित राजद कार्यालय में जिला संगठन के विस्तार एवं मनोनयन प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में राजद के जिला अध्यक्ष अलग रंजन पासवान भी मौजूद रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहिद्दीन ने नौगछिया बाजार में पत्रकारों को दी है। नौगछिया हाई स्कूल के हॉस्टल की खिड़की तोड़कर चोरी का कर रहे प्रयास, युवक को स्थानीय लोगों ने दबोच कर दी धुनाई, किया पुलिस के हवाले। नौगछिया हाई स्कूल के हॉस्टल की खिड़की को तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ दबोच कर जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर 1 बजे उन लोगों ने देखा एक युवक हाई स्कूल के हॉस्टल की खिड़की को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। पूछे जाने पर युवक ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कुछ आक्रोशित लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं नौगछिया के नए थाना अध्यक्ष दयानंद ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। आदमी की दूसरा देख के बाबू हमरा मारे उरे लगले, हम कभी कुछ जान में गए आदमी सामने ही सबके पकड़े बाबू हमरा पकड़। ये हॉस्टल के पीछे में पूरा साइड में इतना है, ये अभी दिन में ही ये खटखट कर रहा था और इसको पकड़े, जब से खटखट कर रहा था हम 2-3 आदमी के साथ से लेकर के इसको पकड़ने का कोशिश की। एक हमारे बगल में विभास बाबू कंपाउंडर है, उसका एक आदमी था, एक मेरा आदेशपाल का बेटा था, उसको पकड़े। दोनों तीनों लड़का को दौड़ा करके, एक टीचर था इस जगह उसको दौड़ाए, तीनों आदमी दौड़ा करके तब इसको पकड़े हम। नौगछिया के गोसाई गाँव में आग लगने से नकदी सहित घरेलू सामान जला। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गाँव निवासी अनिल मंडल के घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार घर में रखा नकदी, सीलिंग फैन सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले
निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05 88-73-97-36-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। उद्घाटन के एक वर्ष बाद प्रारंभ हुआ आयुर्वेदिक चिकित्सालय। उद्घाटन के लगभग एक वर्ष बाद गोपालपुर PSC में आयुर्वेद के चिकित्सक द्वारा आयुर्वेद पद्धति से ग्रामीणों का इलाज प्रारंभ किया गया। आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर BK सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज के बैकंठपुर दुधेला स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय के द्वारा बिहार सरकार के आयुष निर्देशालय के आदेश पर सप्ताह में 3 दिन OPD में रोगियों का इलाज किया जाएगा। नवगछिया में बच्चा प्रसाद के निधन पर शोक सभा। नवगछिया के महंत वेदी शरण संस्कृत महाविद्यालय में सोमवार को शोक सभा आयोजित कर महाविद्यालय के शिक्षाविद बच्चा प्रसाद भगत को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ने 1 मिनट का मौन रखकर श्री प्रसाद के आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना निवेदन किया। नवगछिया जयंती पर याद किए गए डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर नवगछिया के गोपालपुर में एक सभा का आयोजन कर उन्हें याद किया गया और उनके विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। सभा में मौजूद पूर्व सांसद भाजपा नेता अनिल यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने 7 दशक पहले जो सपना देखा था आज वह साकार होने को है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 1000 सर्जिकल मास्क सहित अन्य सामग्री दिया गया। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को बंधन नगर NGO के द्वारा बंधन हेल्थ प्रोग्राम की तरफ से कर्मचारियों के बीच 1000 सर्जिकल मास्क और 100 बोतल हैंड सैनिटाइजर लोशन प्रदान किया गया है। संस्था के सदस्य ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा को यह सामग्री सौंपा है। मौके पर संस्था के सुष्मिता विश्वास, आरती कुमारी, कंचन कुमारी, पिंकी कुमारी, विनीता कुमारी सहित नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के अजीत प्रकाश, विभास सिंह, चंदन कुमार सहित अन्य मौजूद थे। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे GS न्यूज परिवार के। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।